How to fix Vivo Y15 video call not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वीवो के फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग का प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या क्या है मैं आपको वो सब बताऊंगा, और सारे साथ दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वीडियो कॉलिंग का, उसको कैसे आप जो है फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह सब जानना जरूरी है, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो कॉल आपका जो है काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप जो है इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, उसके बाद जो है रीज़न भी आपको बताऊँगा कि वीडियो कॉल जो है वो किस वजह से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेक श्योर कि आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे साथ दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जाना होगा आपके मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जैसे ही जाओगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आपको मिलेगा एप्लीकेशन एंड परमिशन, तो उसमें जाके आपको ऐप मैनेजर जो है आपका ऑन कर लेना है, ठीक है। ऐप मैनेजर को ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर ले, और आपको सबसे पहले तो कैमरा पे जाना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो कॉलिंग पे हमेशा आपका जो कैमरा है वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो आपको इसका फोर स्टॉप करके ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद दोस्तों आपको इंटरनल स्टोरेज पर जाके इसका जो डेटा है उसको भी क्लियर अप करना होगा। तो सिंपली आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके करना होगा यहाँ पर, और उसके बाद आपको सिंपली बैक कर देना है। बैक करने के सारे साथ दोस्तों आपको नीचे जो है आपका फ़ोन सर्विस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पर जाना होगा। तो फ़ोन सर्विस पर जैसे ही जाओगे आपको फोर्स स्टॉप करके इसे भी ओके करना है, और उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद दोस्तों आप सिंपली बैक करें। बैक करने के बाद दोस्तों डिवाइस को रिस्टार्ट कर लीजिए। जैसे आप रिस्टार्ट करोगे आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बाई एनी चांस यदि आपको दोबारा से वीडियो कॉलिंग पर प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप सिंपली सिस्टम अपडेट पर जाके सिस्टम को अपडेट करें, ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए, तो इससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो दोस्तों था आपके लिए वीडियो कॉलिंग का सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, वीवो का जो वीडियो कॉलिंग है, ठीक है, वो दोस्तों सिर्फ उन्हीं लोगों पे काम करते हैं जिसके पास वीडियो कॉलिंग का फ्यूचर है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, इंस्टाग्राम वीडियो कॉलिंग उन सब के बात नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो कॉलिंग के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, वीवो के फ़ोन पे यदि आप वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों उनके फ़ोन पे भी जो है ये वीडियो कॉलिंग फीचर सपोर्ट होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है, वरना दोस्तों आपका वीडियो कॉलिंग कभी कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पर रखना है। तो वीडियो कॉलिंग करने से पहले आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको जानना होगा, ठीक है, तब जाके आप वीडियो कॉलिंग प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही है इसका रीज़न जो कि काम नहीं करते हैं वीडियो कॉलिंग, तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू के लिए आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें या तो फिर कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।